स्वागत है आपका ट्रेडर्स पॉइंट के और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइनॉक्स लीजर शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। इन शॉर्ट हम इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इस शेयर के सपोर्ट की बात करें तो जो इसका सबसे पहला सपोर्ट है वो है 326.80 का लेवल। ये लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस शेयर ने यहाँ पर मल्टी टाइम सपोर्ट लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस शेयर ने यहाँ पर मल्टी टाइम सपोर्ट लिया और उससे पहले भी इस शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। इसके लिए सबसे पहला सपोर्ट है 326.80 का लेवल। आप चाहे तो ये लेवल्स नोट भी कर सकते हो। जो दूसरा सपोर्ट है इस शेयर के लिए वो है 318.24 का लेवल। ये लेवल भी इस शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो ये लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। आइए अब दोस्तों देख लेते हैं इस शेयर के इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर हम इस शेयर के रेजिस्टेंस की बात करें तो जो इसका सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो है 339.90 का लेवल, क्योंकि पहले भी इस शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। और दूसरा रेजिस्टेंस है 351.45 का लेवल। अगर हम इस शेयर के टेक्निकल्स देखें तो RSI अभी 58.89 पे है, तो 60 प्लस में आने की पूरी संभावना है और MACD की भी बुलिश क्लोज ओवर देने की पूरी संभावना है, तो टेक्निकल्स भी अभी थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो आप स्मॉल क्वांटिटीज में इस शेयर को बाय कर सकते हो, और जो भी मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए हैं आप उस लेवल्स को स्टॉप लॉस के तरह पे क्लोजिंग बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।